खबर की तरफ। सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते मंगलवार शाम रावसर वितरिका में पानी छोड़ते ही जो है रावसर वितरिका की आरडी 33 पर केरवाला गांव के पास नहर में कटाव आ गया। नहर में कटाव लगभग 25 फुट बड़ा था, जिससे आसपास की लगभग 300 बीघा भूमि जो है जलमग्न हो गई। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं गनीमत यह रही कि नहर का कटाव गाँव की तरफ नहीं आया, वरना बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारी कभी भी इस नहर को संभालने के लिए नहीं आते हैं और यह सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते इतना बड़ा हादसा सामने आया। इसके अलावा ग्रामीणों ने जो है संबंधित अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की भी मांग करते हुए आक्रोश जताया। नहर टूटने की वजह सिर्फ अधिकारियों की और ठेकेदार की लापरवाही है। इसमें जो मटेरियल लगा है वो बहुत घटिया। आज वो 4 दिन पहले और मैं 4-7 दिन लगातार आ रहा हूँ, पुल की भीत टूटी है, ठेकेदार लापरवाही से टूटी है, बस लाग रही थी जिस दिन आदेश हो सकता था। ठेकेदार को मुनीम को मैं 5 बार बोल के गया हूँ, भीत नहीं खुलवाई। आज फिर मैं लड़के गया कितना बजे, 2:50 पर और 3 बजे यहाँ पर नहर टूट गई। मैं कहा नहीं बनाओ तो मैं आपका यहाँ पर मटेरियल नहीं गिरने दूंगा, आप अपनी जमीन लीजिए और वहां पर मटेरियल गिर लीजिए। ये बिल्कुल प्रशासक है, ये जो जल विभाग के प्रशासक है मिली भगती है, ये माल खा गए बिल्कुल मिली भगती। इसको जांच करवा लीजिए, इस नहर के अंदर ईंटों की जांच करवा लीजिए, सीमेंट की जांच करवा लीजिए, इसमें बिल्कुल घफला है। बिल्कुल निवेदन कर रहा हूँ पत्रकार बंधुओं से, आज नहीं आप 2-4 बजे इसको रिपीट करो, इसको जांच करवा लीजिए। ये जमींदारों के लिए नहर बनी है, ऐसा नहीं है आज 40 सालों से फिर बनी है और 100 सालों की नहीं बंधनी थी और आज बंधने के बाद अरे 1 महीने के बाद टूट गई तो आगे जमींदार का क्या हाल होगा। मेरे भाइयों बिल्कुल प्रशासक ये कह रहे थे, मैं देख रहे हैं आज तक कोई अधिकार नहीं है, ना एक्शन आया है, ना SCI है, ना चीफ का कोई आदेश हुआ है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, उप सरपंच हूँ ग्राम पंचायत चौड़े का, मैंने 7 दिन हो गया यहाँ पर गेड़ा मारते को, 8 जी तक मैंने गेड़ा मारा है। ये पुड़का मैं 10 बार कह के गया हूँ, ये बिल्कुल आदेश होता जिस दिन बस का तो हमारे गाँव का कितना प्राथमिक कारण तो इसमें भी कुछ नहीं कह सकते जब तक हमारे सामने कारण नहीं आ जाते हैं, तो इसकी जांच करा लेंगे। वैसे तो ज़्यादा मिट्टी छोटे मोटे कुछ सुराग या इस वजह से हो सकता है, बाकी कटाव का जो कार्य था वो लोग खराब भी और बढ़ रहा है और जगह तरफ लगभग आधे घंटे में ही जो है पूरा हो जाएगा। तो हम इसके 2 घंटे के बाद इस कार्य को हम कम्प्लीट करा देंगे और हमारी पूरी जो इरीगेशन की टीम और स्पेशल की टीम यहाँ मौजूद है तो जो नुकसान का आंकलन वगैरह का उसका जो प्रोसेस रहेगी तो उसमें उसके लिए हमने अपनी रेवेन्यू एजेंसी को बोल दिया है कि आप जाकर के सर्वे कर लीजिए कितने बीघा पानी का जो भाव हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम जो प्रस्ताव है सरकार जो भी नियम सहायता तो अभी पूरा क्लियर नहीं किया जा सकता कहा जा सकता, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान है सर हो सकता है कहीं लीकेज रहा हो, लीकेज की वजह से कोई पानी निकल गया और उससे ये नहीं टूटी हो। नहीं हम जांच करा रहे हैं, कोशिश अभी भी करेंगे, सुबह भी कराएंगे, जो भी मान लिया कोई सुराग रह गया हो कोई और कोई हो तो टाइमली हम बंद कराने की। तो विभागीय गश्ती वगैरह सर ऐसे पानी चलता है तो ऐसे में कोई कहीं पे जैसे घरे वगैरह जो बनते हैं उनकी कोई देखभाल करने के लिए कोई कर्मचारी? देखभाल हम करते ही हैं, हमारे इंजन बराबर पानी आने से पहले घूमते हैं, हो सकता है कोई वजह से कहीं कोई सुराग रह गया और ये पानी निकल गया। ठीक है सर, ये कितने दिनों में मतलब इसके कारणों का पता सर? ये कल ही जाँच करा लेंगे हम, कल तक ये मुआवजे का भी जो है जैसे SDM मैडम ने कहा है हमारे भी पटवारी और इनके रिवेन्यू के मिलकर तुरंत इसकी जाँच कर लेंगे जितना भी हुआ मुआवजे का और ये हमारे जो टूटी है नहर उसकी भी हम जाँच करा लेंगे।